हाय वेलकम टू दिस वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स की सो बिफोर वी टॉक अबाउट डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स हम पहले बात करते हैं कि हमने अभी तक जो डिवीजन पढ़ी हुई है नंबर्स की ठीक है तो लेट्स से अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ मुझे ट्वेंटी को थ्री से डिवाइड करना है तो तुम कैसे करोगे ट्वेंटी को थ्री से डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे थ्री इंटू सिक्स होता है सो so, सिक्स हमारा ऊपर चला गया और एटीन हो गया थ्री इंटू सिक्स और नीचे बच गया टू ठीक है सो so, इस केस में अब ये डिवीजन पे खत्म होगी बिकॉज टू अब थ्री से छोटा हो गया राइट सो so, इस केस में हम थ्री को क्या बोलते हैं हम थ्री को बोलते हैं डिवाइजर जिससे हमने डिवाइड करा है ट्वेंटी को बोलते हैं हम डिविडेंट ठीक है जिसको हमने डिवाइड करा है ठीक है और जो ऊपर हमारा आया उसको हम क्वेश्चन इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं और ये हमारा जो बच गया लास्ट में इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर राइट right? ये मैं पता है अब जैसे तुमने इसको हमने डिवाइड करा है ठीक है तो हमने क्या करा है कि थ्री इंटू सिक्स करा और एटीन आया फिर लास्ट में ट्वेंट उसको ट्वेंटी में से माइनस कर दिया तो टू बच गया तो so, ट्वेंटी में से हमने माइनस क्या करा है डिविडेंट में से हमने माइनस क्या करा है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन क्या बच जाता है रिमाइंडर राइट right? यही हो रहा है ऊपर तो हमारा जो डिविडेंड हो गया वो क्या होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ठीक है तो जैसे अगर इसके इसमें हम चेक करें तो हमारा डिविडेंड क्या था ट्वेंटी डिवाइजर क्या था थ्री क्वेश्चन क्या है सिक्स रिमाइंडर क्या था टू सो ट्वेंटी को ट्वेंटी आ गया राइट तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिंगल स्टेप डिवीजन में ही हो लेट से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं टू हंड्रेड को सेवन से तो कैसे करेंगे पहले फोर्टीन आ जाएगा यहाँ पे 6, नीचे 60, और सेवन एट दा फिफ्टी सिक्स तो ये फोर बच गया तो ये हमारा फोर रिमाइंडर है तो नाउ लेट सी तो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन अगर इसका निकालें तो डिवाइजर कितना है हमारा सेवन क्वेश्चन कितना है हमारा ट्वेंटी एट रिमाइंडर कितना है फोर इसका टोटल निकालो क्या आएगा वन नाइन्टी सिक्स प्लस फोर इक्वल टू टू हंड्रेड विच इज इक्वल टू डिविडेंड राइट तो हमेशा ये जो हमारी इक्वेशन है हमेशा होल्ड करती है और तुम तो इसको इंट्यूटिवली भी समझ सकते हो क्योंकि जिस तरह से हम डिवीजन कर रहे हैं तो ये इक्वेशन हमेशा होल्ड करनी चाहिए कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ठीक है ना लेट्स लुक एट डिवीजन इन पॉलिनॉमल सो पॉलिन डिवीजन भी लगभग थोड़ी सेम ही होती है नंबर डिविजन थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं क्योंकि हम इसमें हम पोलिनोम से डील कर रहे हैं ठीक है नंबर से डील नहीं कर रहे हैं तो पोलिनियल डिविजन हम कैसे करते हैं तो जैसे हमारा जो पोलिनियल है जैसे इसके इसमें जी एक्स है ठीक है तो अगेन ये हमारा लेट से मुझे पी एक्स मेरा डिविडेंड है मतलब मुझे पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है तो पी एक्स डिविडेंड हो गया और जी एक्स मेरा डिवाइजर हो गया राइट right? सो so, इसको हम वैसे ही अपने तरीके से लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री और बाहर के आ गया हमारा एक्स स्क्र माइनस टू ठीक है तो अब डिवाइड करना कैसे होता है तो हम इसकी हाईएस्ट पावर और इसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं तो इसके इसमें जो डिवाइजर है उसकी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्र है राइट टू में तो एक्स की पावर जीरो है ठीक है और जो डिविडेंड है उसमें x की पावर मैक्सिमम थ्री है तो हम एक्स क्यूब और एक्सक्वेयर पर फोकस करेंगे ठीक है तो हमें एक्स स्क्र को किसी तरह से अब एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये ऊपर आ गया हमारा एक्स क्वेश्चन में तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्र एक्स क्यूब माइनस टू इन टू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा टू एक्स ठीक है नाउ ये टू एक्स है ये एक्स स्क्र है तो हम टू एक्स को हम क्या करते हैं एक्स वाले के नीचे लिख देते हैं क्योंकि बेसिकली हमें इसको सब करना होगा ठीक है तो ये आ गया हमारा अब हम जो भी यहाँ पे आता है माइनस करते हैं जैसे हमने उसमें कर रहे थे राइट जैसे थ्री को हम ट्वेंटी को थ्री से डिवाइड कर रहे थे तो सिक्स ऊपर गया था तो थ्री इंटू सिक्स करके हमने एटीन करके एटीन को माइनस करा था राइट वैसे ही इसमें हम माइनस करेंगे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब पड़ जाएगा नाउ माइनस टू एक्स को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा राइट सो so, ये आ गया हमारा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर जो बच गया हमारा प्लस सेवन एक्स माइनस थ्री ठीक है ना अगेन सेम चीज करेंगे हम हम हाइएस्ट पावर देखेंगे इसमें हाईस्ट पावर एक्स स्क्र ही है और इसमें माइनस थ्री है अब मुझे एक्स स्क्र को माइनस थ्री एक्सक्वायर बनाना तो किससे में डुलाय करना पड़ेगा माइनस थ्री से राइट right? सो so, ये हमारा आ गया माइनस थ्री एक्स स्क्र और माइनस टू इंटू माइनस थ्री करेंगे तो क्या देगा सिक्स अब ये पूरी चीज़ हमें माइनस करनी है राइट तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे अब माइनस थ्री एक्सक्र नीचे प्लस थ्री एक्स स्क्र ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सेवन एक्स और ये माइनस एक्स माइनस थ्री माइनस नाइन हो जाएंगे ठीक है नाउ आपके आ गए हमारे यहाँ पे एक्स आ गया और ये यहाँ पे क्या है हमारी एक्स स्क्र है तो जब नीचे जो हमारा बच रहा है एक तरह से जिस हमारे डिविडेंड का जो पार्ट बच रहा है अगर ये पार्ट हमारा इससे कम डिग्री वाला हो जाए मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है एक्स की वन है एक्स की मैक्सिमम पावर वन है और इसमें एक्स की पावर टू है तो जब इस पॉलिनोमल की डिग्री इससे कम हो जाए ठीक है तो हम स्टॉप कर देते हैं तो ये हमारा क्या बचेगा हमारा रिमाइंडर ठीक है अगर यहाँ पे एक्सक्वेयर आ रहा था फिर हम दोबारा एक्सरसाइज करते हैं उसको कैंसिल करते हैं को ठीक है बट अब हमारा एक्स आ गया है या फिर सिर्फ कॉन्स्टेंट रह जाता तो हम वहाँ पर रुक जाते हैं वैसे भी सोचो अगर मुझे एक्स स्क्र माइनस टू को अगर मुझे सेवन एक्स बनाना हो एक्स स्क्र को सेवन एक्स बनाना हो तो मुझे किससे मिलवाय करना पड़ेगा सेवन बाई एक्स से राइट क्योंकि सेवन बाई एक्स इंटू एक्स स्क्र इक्वल टू सेवन एक्स होता है राइट तो मुझे इसको सेवन बाई एक्स से मिल करना पड़ेगा एक्स स्क्र को सेवन एक्स बनाने के लिए जैसे हम प्रोसेस अभी ऊपर फॉलो कर रहे थे तो सेवन बाय एक्स क्या होता है पॉलिनोम होता है सेवन बाय एक्स नहीं होता है क्योंकि पॉलिनोमियल में नेगेटिव पावर्स ऑफ वेरिएबल नहीं होती हैं तो इसमें नेगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल है राइट सेवन इन ये है ना सेवन बाय एक्स तो इसमें एक्स की नेगेटिव पावर है इसलिए हम यहां पे रुक जाते हैं जब इसकी डिग्री जो है डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए ठीक है तो इस केस में हमारा डिविडेंड ये था डिवाइजर ये था क्वेश्चन क्या है हमारा एक्स माइनस थ्री रिमाइंडर क्या आया सेवन एक्स माइनस नाइन हम वो वाला हमारा जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं कि डिवाइजर इनटू टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर देखते हैं कितना आता है कि डिविडेंड इक्वल आता है कि नहीं आता है? तो डिवाइजर क्या है हमारा एक्सक्र माइनस टू क्वेश्चन क्या है एक्स माइनस थ्री है सेवन एक्स माइनस नाइन तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस नाइन तो ये आ गया हमारा एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री अब यही डिविडेंड है राइट सो so, ये हमारा जो फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ये डिवीजन में भी अप्लाई होता है ठीक है नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन सो इसमें क्या करना है चेक वेदर द सेकंड दिस पॉलिनोम इज ए फैक्टर ऑफ द फर्स्ट सो हैव चेक पोलिनियल जी एक्स इज फैक्टर ऑफ एक्स एंड हाउ डू यू चेक इट बाई डिवाइडिंग द फर्स्ट द सेकेंड पॉलिनियल तो इसको हमें डिवाइड करना है तो ये हमारा हो गया डिविडेंड इससे हमें डिवाइड करना तो ये हमारा हो गया डिवाइजर और हमें चेक क्या करना है इज इट अ फैक्टर ऑफ जी एक्स पी एक्स के जी एक्स का मतलब जी एक्स के पी एक्स का फैक्टर है तो मतलब अगर फैक्टर होता है तो क्या होता है रिमाइंडर तो जीरो हो जाता है राइट तो हमें चेक करना है कि रिमाइंडर जीरो आता है कि नहीं आता तो लेट्स डिवाइड सो डिविडेंड क्या है हमारा थ्री एक्स फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस टू और ये हमारा हो गया डिवाइजर तो हम कैसे कैसे करते हैं डिवीजन इसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं डिवाइजर में एक्स की हाइएस्ट पावर ये है और डिविडेंड में हाईएस्ट पावर ये है सो क्या करेंगे थ्री एक्स फोर वाई एक्स स्क्र करेंगे सो यह आ गया थ्री एक्स स्क्र तो थ्री एक्स स्क्र से हम इस पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया थ्री एक्स फोर प्लस नाइन एक्स क्यूब राइट प्लस थ्री एक्स और ये चीज़ हम माइनस करते हैं ये माइनस करेंगे तो माइनस फोर एक्स स्क्र आ जाएगा ये माइनस करेंगे तो माइनस टेन एक्स आ जाएगा ओके okay, तो ये फोर एक्स क्यूब आएगा राइट और ये टू एक्स प्लस टू ठीक है वह तो पूरा नीचे के नीचे उतर जाएगा अब हमें एक्स स्क्र देखना है और माइनस फोर एक्स क्यूब देखना है तो क्या लाना पड़ेगा माइनस फोर एक्स में करना पड़ेगा तब ये माइनस फोर एक्स क्यूब हो जाएगा ठीक है और थ्री एक्स इंटू माइनस फोर एक्स करेंगे तो क्या आएगा माइनस ट्वेल्व एक्स और प्लस वन इंटू माइनस फोर एक्स ठीक है तो हमें इसको माइनस करना तो पावर्स चेंज हो जाएंगी ये प्लस और ये भी प्लस ठीक है अब माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स क्यू कैंसल आउट माइनस वन एक्स प्लस टूल एक्स क्या आ जाएगा टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स सिक्स एक्स प्लस टू ठीक है अब एक्स स्क्र है हमारा और टू एक्स है तो सिर्फ टू से करेंगे टू so, एक्स आ जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स एक्स प्लस टू माइनस करेंगे तो माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस हमारा तो रिमाइंडर क्या आ गया जीरो तो रिमाइंडर जीरो मतलब होता है डेट जी एक्स जिससे मैंने डिवाइड करा डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का फैक्टर है ठीक है सो द आंसर इज यस ठीक है दैट जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ फी एक्स ठीक है अब इसमें हमें क्या करना है ऑप्टीन ऑल दी जीरोस जीरोस क्या होते हैं वो वैल्यूज ऑफ एक्स जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है राइट ठीक है ये मैं पता है हमें इसके इस, इस, इस पॉलिनोम के सारे जीरोस निकालने हैं मतलब सारी उन वैल्यूज निकालनी है ये पॉलिनोम की वैल्यू जीरो पॉलिनोम सो थ्री एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स सो माइनस टेन एक्स माइनस फाइव और हमें क्या दिया हुआ है टू ऑफ इट जीरो आर दिस सो हमें दो एक्स की वैल्यू दी हुई जिन पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है, तो इसका अगर दो जीरोस ही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? P root 5 by 3 ये पूरा रूट है, इक्वल टू जीरो होगा, और P माइनस ये भी जीरो होगा, ये मतलब होता है ना जीरोस का, ठीक है? सो so नाउ ये दोनों जीरोस हैं, और हमें इसके बाकी और दो जीरोस निकालने हैं, क्योंकि एक्स की पावर मैक्सिमम फोर है तो इस पॉलिनोमल के मैक्सिम कितने जीरोस हो सकते हैं फोर जीरोस मैक्सिमम हो सकते हैं राइट ये हमने पढ़ा हुआ तो दो जीरोस हमें दिए हुए हैं हमें क्या निकालने हैं बाकी दो जीरोस निकालने हैं, ठीक है सो so, कैसे निकालेंगे ना अगर ये दो हमारे जीरोस हैं तो इसका क्या मतलब हुआ एक्स माइनस रूट फाइव बाय थ्री जो है इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमल का राइट right? यही मतलब उतना अगर कोई हमारा हमें दिया हुआ है कि ए जो है हमारा एक पॉली है पी एक्स एज जीरो ऑफ पी एक्स तो उसका क्या मतलब होता है एक्स माइनस ए क्या होगा पी एक्स का फैक्टर होगा ठीक है पी एक्स का फैक्टर का मतलब होता है पी एक्स को परफेक्टली डिवाइड करें मतलब रिमाइंडर जीरो बचेगा राइट वैसे ही अगर माइनस रूट फाइव थ्री है तो क्या हो जाएगा हमारा एक और फैक्टर क्या हो जाएगा एक्स माइनस माइनस रूट फाइव बाय थ्री तो ये क्या आ गया हमारा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ आगे है। तो हमें पता लग गया अब ये हमारे दो फैक्टर्स हैं इस पॉलीनोमल के गिवन पी एक्स के राइट right? सो so, अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो भी फैक्टर हो जाएगा राइट right? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस फाइव बाय थ्री एक्सक्र माइनस फाइव बाई थ्री इज अ फैक्टर ऑफ दिस इसका क्या मतलब होगा अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा जीरो आ जाएगा तो लेट्स डिवाइड इट सो इसमें क्या करेंगे हम एक्स की मैक्सिमम पावर स्क्वेयर है और इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर फोर है तो इन दोनों को देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा हमें थ्री स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो थ्री एक्स फोर माइनस फाइव बाई थ्री को थ्री एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस फाइव एक्स स्क्र राइट सो ये माइनस कर जाएगा ये प्लस हो जाएगा सिक्स एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्र माइनस टेन एक्स माइनस फाइव सो अब एक्स स्क्र और सिक्स एक्स क्यूब को देखना है तो इसको हमें सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस फाइव बाई थ्री इंटू सी एक्स क्या आएगा सिक्स एक्स क्या आएगा माइनस टेन एक्स राइट सो ये माइनस कर जाएगा ये प्लस हो जाएगा माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा सो ये क्या आ गया थ्री एक्स क्यूर माइनस फाइव सो अब थ्री एक्स क्यूर को देखेंगे और एक्स क्यूर को देखेंगे तो इससे समय थ्री से मिल उड़ेगा थ्री एक्स क्यूअर माइनस फाइव आ जाएगा तो so, ये जीरो वो तो जीरो में पता ही थे आना था बट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये आ गया ठीक है तो ना क्वेश्चन ये है डिवाइजर ये है तो हम पीएक्स को कैसे लिख सकते हैं हम पीएक्स को लिख सकते हैं एक्स स्क् माइनस फाइव बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री एक्सर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री राइट ऐसे लिख सकते हैं और इसमें से हम थ्री कॉमन ले लें तो ले क्या आ जाएगा एक्स स्क् माइनस फाइव बाय थ्री इंटू थ्री इंटू एक्स स्क् प्लस टू एक्स प्लस वन राइट यही आ रहा है तो अब ये तो हमें पता है यहां से हमने दो जीरोस निकाल लिए थे कौन से दो जीरो निकाल लिए थे ये और ये राइट ये वाले और ये वाले ठीक है अब अगर हम इसको देखें नाउ ये भी एक्स स्क् प्लस टू एक्स प्लस वन एक क्या है पी एक्स का फैक्टर है और इसको अगर हम लिखें तो एक्सक्वेयर प्लस टू एक्स वन क्या टू एक्स प्लस वन क्या होता है एक्स प्लस वन का होल स्क्र ठीक है तो नाउ वी कैन सी दैट एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स ठीक है तो अगर x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स तो क्या होगा माइनस वन जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा ऑफ दिस पॉलिनोम राइट क्योंकि x प्लस वन को हम कैसे लिख सकते हैं x माइनस माइनस वन राइट तो एक्स माइनस माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स जो कि हमें नजर आ रहा है यहां पे देन इन दैट केस माइनस वन जो है हमारा इसका जीरो हो जाएगा ठीक है और इसका कोई फोर्थ जीरो नहीं होगा फोर्थ जीरो भी माइनस वन ही होगा क्योंकि एक्स प्लस वन का स्क्वेयर है तो अल्टीमेटली एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन है तो दोनों माइनस वन ही होंगे बाकी दो जीरो तो इस पारीनोम्यूअल के कौन कौन से जीरोस हैं दो तो ये हैं और तीसरा माइनस वन है हम चौथा अगर लिखना है तो हम चौथा भी माइनस वन ही होगा ठीक है अगर कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हो लेट्स लुक एट फोर्थ क्वेश्चन नाउ तो इसमें हमें क्या करना है ऑन डिवाइडिंग दिस तो इस पॉलिनामियल को हमने एक पॉलिनोम से डिवाइड करा जीएक्स जो हमें नहीं दिया हुआ क्वेश्चन और रिमाइंडर में दिया हुआ तो ये क्वेश्चन आया हमारा और ये रिमाइंडर आया हमें जी एक्स प्लेन करना है तो नाव हमें पता है कि डिविडेंड क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर राइट तो इस केस में हमें क्या क्या दिया हुआ है डिविडेंट दिया हुआ है क्योंकि इसको हमने डिवाइड करा था सो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्सर प्लस एक्स प्लस टू डिवाइजर क्या है जिससे हमने डिवाइड करा था जी एक्स तो ये हमें पता नहीं है क्वेश्चन क्या आया था हमारा x माइनस टू रिमाइंडर क्या आया था माइनस टू एक्स प्लस फोर राइट तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं हम निकाल सकते हैं सो so, बेसिकली ये माइनस टू एक्स प्लस फोर को यहां पे ले चलते हैं एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्स एक्स प्लस टू प्लस टू एक्स माइनस फोर इक्व टू जी एक्स इन एक्स माइनस टू ठीक है तो ये क्या आ गया एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्स थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जी एक्स टू एक्स माइनस टू ठीक है तो नाउ यू कैन सी जी एक्स हम कैसे निकाल सकते हैं इस चीज को बेसिकली हमें एक्स माइनस टू से डिवाइड करना पड़ेगा राइट जी एक्स को एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है तो अगर हम इस चीज को एक्स माइनस टू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जी एक्स आ जाएगा तो एक्स माइनस टू से डिवाइड कैसे करेंगे हमारा जो तरीका होता है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क् प्लस थ्री एक्स माइनस टू तो यहाँ पे एक्स देखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब देखेंगे तो ये एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट क्योंकि एक्स क्यूब बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्र एक्सक्र ऊपर आएगा माइनस टू इंटू एक्सर क्या माइनस टू क्योंकि माइनस रिवर्स हो जाते हैं सो so यह क्या आ गया माइनस एक्स स्क् प्लस थ्री एक्स माइनस टू ठीक है तो अब एक्स को देखेंगे और माइनस एक्सक्र पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस एक्सक्र प्लस टू एक्स ये प्लस हो गया कट जाएगा ये माइनस हो गया एक्स माइनस टू प्लस वन ठीक है तो जी एक्स क्या गया हमारा माइनस एक्स प्लस ठीक है ये हमें चाहिए था सो ये निकल गया ठीक है ना लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया इफ द पॉलिनोम दिस इस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करा इस पॉलिनोम से और रिमाइंडर हमारा ये आया हमें क्या निकालना है के और ए निकालना है ठीक है सो डिविडेंड अगेन सेम इक्वेशन यूज करेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर तो इसमें डिविडेंड क्या है डिवाइजर क्या है हमारा एक्स स्क् माइनस टू एक्स प्लस के क्वेश्चन क्या है हमारा ये पता नहीं है अभी और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा प्लस ए ठीक है तो हमें अब बेसिकली पूरी इक्वेशन तो हमें दी नहीं हुई है राइट तो हमें इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन क्या आता है ठीक है तो लेट्स डू द डिवीजन पार्ट सो इसमें एक्स स्क्र को देखेंगे इसमें एक्स फोर को देखेंगे तो एक्सक्र से हमें करना पड़ेगा माइनस टू एक्स क्यूब प्लस के एक्सक्र ठीक है सो so ये माइनस सॉरी ये एक्स फोर होगा तो ये माइनस कट जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस फोर एक्स क्यूब आ जाएगा ये माइनस होगा तो क्या आ जाएगा सिक्सटीन माइनस एक्स सिक्सटीन माइनस के एक्सक्र माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस टेन ठीक है तो अब एक्स स्वयर को देखना है और माइनस फोर एक्स क्यूब को देखना है तो क्या आ जाएगा माइनस फोर एक्स तो माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क् माइनस फोर के एक्स ठीक है तो ये कट जाएगा ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ठीक है तो ये क्या आ गया हमारा एट माइनस के एक्स स्क्वेर और ये आ गया हमारा प्लस फोर के माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस टेन का प्लस टेन होकर गया ठीक है अब एक बार और मल्टीप्लाई होगा ये किससे मल्टीप्लाई होगा एट माइनस के से क्योंकि हमें एट माइनस के एक्स स्क्र को देखना है एक्स स्क्र को देखना है ठीक है तो so ये आ गया एट माइनस के एक्स स्क्र और इसको करेंगे माइनस टू एट माइनस के एक्स प्लस के प्लस एट माइनस के इन के तो ये कट जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा फोर के ओके तो लेट्स राइट इट एक्स कॉमन ले लेते हैं फोर के माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन माइनस टू के और ये क्या आ गया हमारा ये माइनस होगा सो टेन माइनस एट के प्लस के स्क्वेयर ठीक है नाउ हमें दिया है कि रिमाइंडर क्या हमारा x प्लस ए है ठीक है तो so, रिमाइंडर हमें है कि हमारा क्या निकल के आ रहा है एक्स इन दिस प्लस दिस तो ए क्या हो गया हमारा के स्क्र माइनस एट के प्लस टेन राइट और ये पूरा एक्सप्रेशन वन के इक्वल होगा क्योंकि एक्स में इसका कॉपिशंट वन है तो ये फोर के माइनस टू के आ जाएगा टू के माइनस नाइन इक्वल टू वन ठीक है सो टू के इक्वल टू टेन आ जाएगा के इक्वल टू फाइव आ जाएगा अब के इक्वल टू फाइव को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ए क्या आ जाएगा हमारा ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स फोर्टी प्लस टेन ठीक है तो so, ये so, क्या आ गया हमारा माइनस फाइव तो के इक्वल टू फाइव इक्वल टू माइनस फाइव सिंपली हमने करा क्या है कि हमने बता दिया गया अगर रिमाइंडर ये आ रहा है हमने देखा कि अच्छा एक्स का कोपिशन वन है यहां x एक्स कॉपिशन वन है राइट तो ये पूरे की वैल्यू जो के की टर्म्स में है ये इक्वल टू वन होगी और जो कांस्टेंट था रिमाइंडर में हमें ए दिया हुआ है तो ये जो कांस्टेंट है ये हमारा ए एक के एक इक्वल हो जाएगा ठीक है तो हमने यहाँ से के की वैल्यू निकाली और उस के की वैल्यू को हमने यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया हमारी ए की वैल्यू भी आ गई ठीक है अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग बाय